जय हिंद, नमस्कार। मेरे शेर सैन्यू लाडलो, आपके मन में अक्सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर डाउट रहते हैं। जिन बच्चों के पेपर हो गए उनके मन में भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर डाउट है, और जिनका अब होने वाला वो भी सोचते हैं। एक काफी आपने सुनी सुनाई बात मैं बोल रहा हूँ, काफी बच्चे बोलते हैं कि सर अक्सर नॉर्मलाइजेशन का फायदा जिनका पहले पेपर होता है, यानी पहली डेटों में जिन बच्चों का पेपर होता है उनको नॉर्मलाइजेशन के अंक अच्छे मिलते हैं, और जिनका अंतिम डेटों में यानी जो अब एग्जाम हो रहे इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है किसको फायदा ज्यादा होगा या किसको कम होगा? ये कमेंट मैंने काफी देखे हैं, बहुत सारे बच्चे भी ये क्वेश्चन करते हैं, और ये बात भी आपने सुनी होगी अक्सर। वो ऐसा इसलिए बोला जाता है, क्या होता है कि पेपर ऐसा बोला जाता है कि पहले जो पेपर की शिफ्टें होती है उसमें पेपर का लेवल बोलते हैं कि हार्ड रहता है, या पहले जो बच्चों का उनके नंबर, देखो नॉर्मलाइजेशन में इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसका पेपर पहले हुआ या किसका पेपर बाद में हुआ। नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़ते हैं जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक क्लियर है नहीं, बहुत सारी चीजें काम करती है, आपकी एक्यूरेसी भी काम करती है, पेपर आपने कैसे अटेंड किया, उस शिफ्ट के उस तरह नंबर कितने। जैसे मान के चलो कि एक दिन में तीन पेपर हुए, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं, एक दिन में तीन पेपर हुए, ठीक है। पहला पेपर में मान लो किसी बच्चे के 40 नंबर है, किसी के 50 नंबर है, किसी के 60 नंबर है, अगर हम औसत देखें इनकी तो कितने आए 50, ठीक है। सेम दूसरे पेपर में उतने ही बच्चों के, मान लो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ, एक बच्चे के 50 नंबर है, दूसरे के 60 नंबर है, तीसरे के 70 नंबर है, तो औसत कितना हो गया 60 हो गया। तो इसका मतलब क्या जाहिर हो रहा है कि इससे ये पेपर क्या है आसान है, ठीक है। तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए इसमें कुछ अंकों की क्या होगी बढ़ोतरी कर दी जाएगी, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि इनको 10 अंक बराबर इनके 60 कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं। इस शिफ्ट में पेपर देने वाले हर एक बच्चे के सेम नंबर प्लस नहीं होते हैं, अलग अलग प्लस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी के समान अंक प्लस हो जाएंगे, नहीं, समान अंक भी प्लस नहीं होंगे, उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। पहले तो ये औसत से, फिर जैसे शिफ्ट में मान के चलो 100 बच्चे हैं तो उनके मान के अगर चलो किसी के मान लो 9 प्लस हुए, मैक्सिमम ऐसा रहता है, एक्यूरेसी का ज्यादा रोल नहीं रहता। जैसे मान के चलो किसी बच्चे के पहले 45 थे, अब उसके प्लस 9 हो गए तो उसके कितने हो गए, अब मान के चलो 54 हो गए। किसी के पहले 50 थे, उसके प्लस 9 हुए तो उसके कितने हो गए 59 हो गए। एक बच्चों के डाउट हो रहता है कि सर सभी के नंबर बढ़ेंगे, नहीं, ध्यान रखना पिछली 12 से सीडी में दिल्ली पुलिस में सब में कई बच्चे ऐसे, मान के चलो 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 1 से 2 नंबर बढ़ता है, 30% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 3 से 4 या 5 नंबर बढ़ते हैं, और 20% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 7 से प्लस अंक बढ़ते हैं। तो जब आप पेपर अटेंड किए हैं, अगर आपके मान के चलो आपने बिल्कुल सही सही किया, हो सकता है आपका पेपर काफी हार्ड हो, जैसे इस समय बच्चे जो पेपर देके बाहर निकल रहे हैं वो बोल रहे सर बहुत आसान पेपर है, उनमें से जो नए बच्चे हैं वो बोल रहे हार्ड भी है, अब जो पुराने बच्चे उन्होंने तैयारी अच्छी की है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा है ना वो उन बच्चों को अच्छा होगा जिन्होंने तैयारी की है, ऐसा नहीं है कि जिसने तैयारी नहीं की उसको सोचता रहता मैं तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, नहीं। जिस बच्चे ने मान के चलो किसी बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है और पेपर में वो 60 क्वेश्चन नहीं कर पाया, इसका मतलब ये शिफ्ट हार्ड है, तो इस बच्चे को बाद में हो सकता है कि उस 10 अंक भी प्लस हो जाए, ठीक है। अब कोई बच्चा है उसका पेपर बहुत आसान है, भले उसका पहले हो चाहे अंतिम में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन पे, इससे कोई मतलब नहीं। नॉर्मलाइजेशन पूरी की पूरी शिफ्टों पे निकलेगी, जैसे जितने शिफ्टों में पेपर हुए अब उसमें औसत निकाल लेंगे कि इस शिफ्टों का औसत क्या है, तो किसमें कितने अंक बढ़ाने हैं ताकि हम इनको वापस एक सम्मान कर सके, ठीक है। ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि भाई प्रत्येक बच्चे के नंबर बढ़ जाएंगे, प्रत्येक नहीं बढ़ते, ध्यान रखना इस हिसाब से ही नंबर बढ़ते हैं, और पहले पेपर हो चाहे बाद में उससे कोई मतलब नहीं है। मान के चलो किसी का 7 तारीख को 7 मार्च को पेपर है और वो पेपर बहुत हार्ड आ जाता है तो उनके अंक बढ़ेंगे, और अगर वो पेपर बहुत आसान आ जाता है बाकी शिफ्टों के बजाय औसत अंक उसमें बढ़ जाता है सारे बच्चों को, मान के चलो कि पहले पेपर में 100 बच्चे ने पेपर दिया उनके औसत 50 था, बाद में 100 बच्चों ने दिया उनका औसत 60 था, बाद में 100 दिया उनका औसत मान लो 35 था, तो कहने का मतलब बच्चे वो 100 लेते हैं और इसमें 35 ही औसत अंक आया, इसका मतलब क्या है ये पेपर हार्ड है। तो क्या करेंगे इन तीनों का करके एक औसत निकाल लेंगे 50, 60 और 35 का, फिर जो औसत मंगाएंगे उतना इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साथ में एक्यूरेसी के बारे में बोलते हैं सर एक्यूरेसी मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, एक्यूरेसी से आपके नंबर भी डाउन हो जाते हैं, तो वैसे भी आप डाउन हो जाओगे अगर आपके पेपर खराब हुआ, आपने क्वेश्चन ज्यादा गलत अटेंड कर दिए, ठीक है। यह है नॉर्मलाइजेशन का पूरा फंडा, समझ में आ गया होगा आपको, इस प्रकार से पूरे के पूरे अंक बढ़ते हैं, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।